बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है हमेशा की तरह कि अच्छे होंगे। अभी रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं और हमारा दिल चाह रहा है ठंडी ठंडी लस्सी पीने का। फिर अफ्तार के बाद वैसे तो मशरूबात होते हैं, जूसेस होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, लेकिन फिर मैंने अभी बाकी तो हमारे दोस्त साहब दो सो रहे हैं, बच्चे एक सो रहे हैं, हमारे मियाँ साहब भी सो रहे हैं, बख्तावर हमने बनाई मज़ेदार सी लस्सी। मैंने एक पाव दूध दिया, उसमें एक पाव दही लिया और एक कप दूध डाला और उसमें 4 चम्मच डाले हैं मैंने चीनी के और आइस वगैरह वो भी क्रश करके डाल दी है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना, इतना मेरा दिल चाह रहा था शाम से, बस मैं सोची थी नई फ्रूट खा ली, पेट भरा हुआ है, बस एकदम से मेरा दिल चाह, मैंने कहा चलो फिर जाके जल्दी से दही की लस्सी, दही और दूध की लस्सी बना लेते हैं। तो इस वक्त तकरीबन 12 तो बज ही रहे हैं और मज़ा है कुछ और इस वक्त लस्सी पीने का गर्मियों में। हालांकि सुबह सहरी के वक्त भी पी थी लेकिन अभी और भी दही है तो हो सकता है सुबह भी लस्सी पी लूँ क्योंकि गर्मी ठीक ठाक हो रही है। हब्स हो रहा है क्या है पता नहीं, बहरहाल तो बस यही है। तो बताइएगा, आप भी आ जाइए, आप लोग भी पिए मेरे साथ, बहुत मज़े की बनी है, सही झाग वाली नहीं होती, मलाई वाली, क्योंकि दूध भी बहुत अच्छा था और दही भी बहुत अच्छा है। और ऊपर मैंने जब ये करनी उस वक्त ही मैंने आइस डाली थी, जब दही बना रही थी ना इसको उस वक्त मैंने आइस डाली और मज़ीद फिर ऊपर भी डाली ताकि खूब ठंडा ठार मज़ा आ जाए। तो ये लीजिए मज़ेदार सी दही और दूध की लस्सी तैयार है, आप भी बनाइएगा और आ जाइए मेरे साथ आप लोग पीने के लिए, मज़े की है बहुत। हालांकि बहुत काम तो बहुत था अभी, देखिए मैंने कहा चलो बस अब सो जाते हैं क्योंकि 12 बज रहे, लेटेंगे फिर सुबह 3 बजे, फिर 3:30 बजे उठना होता है। वैसे भी ना इस तरह की चीज़ें ना अफ्तार के बाद ही पी लेना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है इससे। ठीक है, चलें इंशाल्लाह ताला फिर किसी नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।